हेलो फ्रेंड, मैं अरशद अय्यूब गुरुकुल कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक भी है आपका मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति, लेकिन आज के टॉपिक में आपका जो चेंज आया है वो क्या है कि ये मेंसुरेशन चैप्टर जरूर है लेकिन ये 3D फिगर के लिए होगा। ये क्या है आपका 3D फिगर के लिए। 3D फिगर मतलब क्या, अभी तक हमने जो भी क्षेत्रमिति में पढ़ा वो फ्लैट फिगर था, एकदम 2D फिगर था, फ्लैट रहता था। अब क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं जहां पे आप बैठ करके देख रहे हैं, जहां पे बैठ करके आप वीडियो देख रहे हैं मेरा, वो क्या है, अगर उसके फर्श को आप देखें तो उसके क्षेत्रफल को निकालने की, उसके एरिया को निकालने की बात कर रहे थे, लेकिन अब क्या होगा कि अब जो रूम पूरा कंप्लीट रूम है वो चारों तरफ, यानी उसका हाइट को ले लें, उसका ऊपर के एरिया को ले लें, उसके साइड के हाइट को ले लें, मतलब चारों तरफ को अगर मिला दिया जाए तो ये जो फिगर बनता है एक 3D फिगर बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक आयत की बात करते हैं तो आयत का बॉक्स में क्या होता है, बस चौखुट होता है इस तरह से। लेकिन एक माचिस के डिब्बे की बात करते हैं तो वो भी आपको ऊपर से आयताकार लगता होगा, लेकिन नीचे में भी उसका क्या है कि नीचे ऊपर और नीचे ये दो मिला करके एक सतह बनता है जिसमें हाइट भी बनता है आपका, और ऊपर का भी फ्लैट एरिया बनता है, नीचे का भी फ्लैट एरिया बनता है। तो ये क्या हो गया आपका 3D फिगर हो गया। आप लूडो खेलते होंगे, लूडो में जो पासा होता है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक होता है वो कौन सा फिगर कहलाएगा, तो वो 3D फिगर कहलाएगा। तो ये सब फिगर के बारे में अब हम लोग जानते हैं, जहां पे इस 3D फिगर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है बेलन और शंकु, यानी सिलेंडर और कोन से पूछा जाता है। इन दोनों का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, फॉर्मूला तो आपको कहीं भी मिल जाता है, फॉर्मूला कोई भी बुक ओपन कीजिएगा बुक में मिल जाता है, लेकिन फॉर्मूला को समझते हैं आपके साथ। आप स्कूल टाइम से ही कोण का फॉर्मूला, बेलन का फॉर्मूला याद करते हुए आए होंगे, कई दफा याद किए होंगे और कई दफा भूल भी गए होंगे। 2D वाला तो याद रहता है, यानी सर्कल का फॉर्मूला याद रहता है, आयत का फॉर्मूला याद रहता है, त्रिभुज का भी याद रहता है, वर्ग का भी रहता है, लेकिन जैसे ही हम 3D में आते हैं तो बेलन का एक बार याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, शंकु का एक बार याद किए फिर भूल गए, फिर याद किए फिर भूल गए, फिर याद किए फिर भूल गए, ये कंटिन्यू चलते रहता है, जिसकी वजह से इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो फॉर्मूला याद नहीं होने की वजह से हम लोग ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। लेकिन फ्रेंड यकीन मानिए, अब ऐसा नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मूला मैं लिखवाऊंगा ही नहीं, लिखवाने के लिए तो मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, लेकिन साथ ही साथ फॉर्मूला मैं आपको रटवा भी दूंगा, याद भी करवा दूंगा, और याद करवाने के लिए रटाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार मैं समझा दूंगा फिगर को तो आपको फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा। फिलहाल पहले आप फॉर्मूला को लिख लें, उसके बाद फॉर्मूला को समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं बेलन की। देखिए, बेलन और आयतन एक तरह का ही, बेलन और शंकु एक दूसरे पे बेस्ड ही है, एक ही कॉन्सेप्ट से निकाला गया है बेलन और शंकु को, तो इसीलिए दोनों फिगर को एक साथ लेकर के चलेंगे हम लोग। बेलन की बात करते हैं, सिलेंडर की बात करते हैं, तो जब भी 3D फिगर होता है तो उसमें क्षेत्रफल नहीं, उसमें जो पूरा एकदम कंप्लीट एरिया जो निकलता है उसको हम लोग आयतन कहते हैं। तो आयतन बराबर क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई का वैल्यू तो आपको पता है, आर, आर मतलब ये जो त्रिज्या आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका, आर है, और एच क्या है आपका, तो ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। क्लियर है। अब आधार का क्षेत्रफल, यानी इस वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर। अब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों को मिला करके अगर पूछा जा रहा है तो ये दोनों को मिला करके आपका कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर इसका और पाई आर स्क्वायर इसका, दोनों बराबर होता है। हम लोग फिगर को जब समझेंगे तब और क्लियर रूप से समझ में आएगा। देखिए, ऊपरी सतह का क्षेत्रफल जो होता है और आधार का क्षेत्रफल, ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, तो अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो 2πr² हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल तो आपको पता चल गया, अब जो बाकी जो बच गया उसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो उसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो 2πrh। देखिए, 2πr किसका होता है, चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं, पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh।
और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब आधार और वक्र को दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों को जोड़ देते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना था, तो इसका क्षेत्रफल कितना था, तो आपका 2πRh, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और आधार, दोनों जो आधार दिखाई दे रहा है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो 2πR² है, ये दोनों को मिला दिए तो 2πR को कॉमन ले लिए, तो यहां से h बच गया और यहां से r बच गया, यही आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाएगा। अब बात करते हैं कोण की यानी शंकु की। शंकु में क्या क्या होता है, ऊंचाई होता है, त्रिज्या होता है और एक तिरछी ऊंचाई भी होता है। यहां पे तिरछी ऊंचाई इसलिए नहीं लेते हैं कि यहां पे जो ऊंचाई होता है, ऊंचाई का और ये वाला ऊंचाई दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है, तो इसलिए ये भी हाइट का ही काम करता है। ये क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई हो गया आपका, एल बराबर तिर्यक ऊंचाई। तो अगर एल का वैल्यू निकालना है तो चूंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है, यहां 90 डिग्री का कोण बनता है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आयतन की बात करते हैं तो आयतन बराबर क्या हो गया, 1/3 πr²h। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच, इसमें एक ही आधार है आपका, ऊपर तो है नहीं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो πr(l), क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये दोनों को जोड़ दिए तो क्या बन गया आपका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इन फिगर को समझते हैं, ये फॉर्मूला वीडियो को पॉज करके आप नोट कर ले, उसके बाद एक एक फॉर्मूला आप देखते जाएं, आपके माइंड में पूरी तरह से ये एकदम से होता है ना, स्कैन होते जाएगा, एकदम छपते जाएगा, एकदम से एकदम आराम से ये आपके माइंड में आएगा। तो एक बार आप लिख ले फिर इसको समझते हैं। आइए फ्रेंड पहले इसको समझ लेते हैं, आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं क्वेश्चन। फ्रेंड आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं बता रहा हूं आपको क्या, तो बेलन और शंकु, लेकिन स्क्रीन पे अभी आपको दिखाई दे रहा होगा सर्कल। ये ऐसा हमने क्यों किया, ये सिर्फ फिगर को समझने के लिए किया कि आखिर ये शंकु है क्या, आखिर ये बेलन है क्या। अगर मैं बात करूं सर्कल की, तो सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है, तो सर्कल का क्षेत्रफल आप सभी को याद होगा कि पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल मतलब अगर मैं एक सिक्का की मैं बात करता हूं, एक क्वाइन की मैं बात करता हूं, तो ये आपका एक क्वाइन मान के चलते हैं कि ये एक आपका क्वाइन है। क्वाइन एक है मतलब एक सर्कल है आपका, क्वाइन के ऊपर एक और क्वाइन रख दिए तो कुछ इस तरह से फिगर ड्रॉ होगा, और एक क्वाइन रख दिए कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, 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 क्वाइन के ऊपर क्वाइन रखते जा रहे हैं। तो ये जो आपका क्वाइन के ऊपर क्वाइन रखते रखते पूरा ऊपर तक जो चला जाएगा, तो इस ढेर सारा क्वाइन मिला करके आपका किस तरह का फिगर ड्रॉ होगा, तो ये एक बेलनाकार फिगर ड्रॉ होगा, यानी सिलेंडर एक ड्रॉ आपका होगा। यही है आपका बेलन, कि सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, इस तरह से पूरा एक हाइट क्रिएट कर दे, बहुत सारा सर्कल मिला करके एक हाइट क्रिएट कर दे, तो वो फिगर जो कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है, बेलनाकार कहलाता है, यानी सिलेंडर के जैसा कहलाता है। क्लियर है, तो यही हो गया आपका बेलन। अब मैं बात करता हूं बेलन के फॉर्मूलाज की, तो बेलन का फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे आपको पता है कि सर्कल का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो सर्कल का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब जैसा कि हमने कहा कि इसमें जब पूरा एरिया निकालना होता है तो वो सर्कल नहीं, वो वॉल्यूम कहलाता है, यानी कि आयतन कहलाता है। तो अगर मैं इसकी आयतन की बात करूं तो एक सर्कल का, यानी एक सर्कल का फॉर्मूला तो आपको पता है कितना है, तो पाई आर स्क्वायर है। अब यही सर्कल बहुत सारा अगर आ गया तो इसमें क्या क्रिएट हो गया, एक हाइट क्रिएट हो गया, तो इसी में अगर हम हाइट से इंटू कर दे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, मतलब सर्कल के फॉर्मूला में अगर हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो आपका सिलेंडर का यानी कि बेलन का आयतन बन जाता है। बेलन का क्या बन जाता है, आयतन बन जाता है। तो लीजिए आयतन का फॉर्मूला तो आपको पता हो गया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर सर्कल का फॉर्मूला आपको याद है तो क्या आयतन का फॉर्मूला आप कभी भूलेंगे, सर्कल के फॉर्मूला में सिर्फ इसके हाइट को मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है।
अब बात करते हैं आधार के क्षेत्रफल की। तो अगर आधार का क्षेत्रफल बोला जाए, आधार का क्षेत्रफल की बात करें, तो आधार मतलब क्या कि सिर्फ एक सर्कल का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो एक सर्कल का क्षेत्रफल तो आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और दोनों आधार का क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए बोला जाए तो ये पाई आर स्क्वायर कितना बार आ गया, दो बार आ गया। तो टोटल आधार का क्षेत्रफल कितना कहलाएगा आपका, 2 पाई आर स्क्वायर कहलाएगा। तो लीजिए इसका भी पता चल गया कि 2 पाई आर स्क्वायर या सिर्फ पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। अगर दोनों का बोला गया तो 2 पाई आर स्क्वायर और एक का बोला गया तो पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। अब मैं बात करता हूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे हम लोग इसमें परिमाप निकालते थे, यानी बाहरी सतह को, सर्कल के बाहरी सतह को, यानी इसका लंबाई निकालते थे। तो एक सिलेंडर का फिगर आप इमेजिन कीजिए, एक बेलन का फिगर को आप इमेजिन कीजिए, तो उसमें क्या होगा, तो अगर उसके हम परिमाप की बात करें तो ये तो होगा ही कि 2 पाई आर है, 2 पाई आर तो होगा ही होगा, 2 पाई आर तो होगा ही होगा। लेकिन जब परिमाप की बात कर रहे हैं तो पूरा किसका परिमाप, बेलन का परिमाप चाहिए, यानी पूरा हाइट के साथ चाहिए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका पूरे का आपका क्या निकल जाएगा, तो पूरे का परिमाप निकल जाएगा। अब इसको परिमाप क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि परिमाप आपका जब भी उसका यूनिट होता है वो सेंटीमीटर, मीटर, इस तरह का यूनिट बनाता है। और क्षेत्रफल किस तरह का यूनिट बनाता है, तो क्षेत्रफल जो यूनिट आपका बनाता है वो यूनिट आपका स्क्वायर में रहता है। तो यहां पे आर अगर मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है या 7 मीटर है और एच 5 मीटर है, तो ये दोनों गुना होकर के 7 × 5 = 35 मीटर कहलाएगा या मीटर स्क्वायर कहलाएगा। तो हमेशा इसका यूनिट स्क्वायर में आता है। और इसका यूनिट किस में आएगा, तो मीटर, मीटर दो बार गुना हो गया और एक बार और मीटर, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है वो घन मीटर में इसका यूनिट आता है, यानी कि मीटर क्यूब में आता है, क्लियर है ना। अब इसी में बात कर लेते हैं, चलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पता चल गया कि क्या है, तो 2 पाई आर है, 2 पाई आर एच है ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों को आपको ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे मैंने ऐड करके आपको दिखाया है, जब ऐड करेंगे तो 2 पाई आर दोनों में है, 2 पाई आर कॉमन निकल जाएगा, यहां क्या बच जाएगा, सिर्फ आर बच जाएगा, और यहां क्या बच जाएगा, तो सिर्फ एच बच जाएगा। तो आर प्लस एच या एच प्लस आर बात बराबर ही है। तो ये क्लियर हो गया आपका फिगर, फिगर क्लियर हो गया ना। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप सिलेंडर का यानी कि बेलन का फॉर्मूला कभी नहीं भूलेंगे। अब बात करते हैं कोन का, कोन कैसा फिगर होता है, कोन कैसा फिगर बनकर के आया। तो देखिए कोन की अगर मैं बात करूं तो अब एक फ्रेश बेलन में ले लेता हूं, अब मैं क्या करता हूं एक फ्रेश बेलन ले लेता हूं। तो फ्रेश बेलन लेने के बाद देखते हैं कि कोन बेलन से कैसे निकलता है। एक बेलन मैंने लिया, एक बेलन लेने के बाद इस बेलन को तीन हिस्सों में अगर बांटें तो कुछ इस तरह से बटेगा। ये जो फिगर होगा ये भी राउंड शेप में होगा, राउंड शेप में और कोनाकार होगा। ये वाला फिगर भी कोनाकार होगा राउंड शेप में। ये बोर्ड है इसलिए 3D इमेजिंग इसमें नहीं किया जा सकता है, है ना। हाँ अगर मैं पेंटर होता तो इसको भी 3D बना देता किसी तरह से करके बोर्ड में भी, ताकि आपको इमेजिन भी 3D के रूप में हो। लेकिन 3D अगर मानेंगे तो इसका भी कुछ पीछे का हिस्सा होगा, इस तरह से एक कोन बनता होगा, जैसे एक घंटी होता है ना आपका, तो एक घंटी के तरह बनता होगा, ये उल्टा घंटी के जैसा और ये भी उल्टा घंटी के जैसा। मतलब एक बेलन में तीन कोन छुपा हुआ रहता है, तीन बराबर कोण छुपा हुआ रहता है। बस इतना आपको माइंड में रखना है कि हर एक बेलन में कितना कोण छुपा हुआ रहता है, तो तीन बराबर कोण छुपा हुआ रहता है। अब आप बताएं कि मान लीजिए कि इसका पूरे का क्षेत्रफल 9 है, पूरे का आयतन 9 है, तो अगर इसको तीनों का अलग अलग अगर पूछा जाए तो तीनों अलग अलग कितना में आएगा, तो डिवाइडेड बाय 3 करना होगा कि नहीं,
या यह कह लीजिए कि इसका 1/3 के बारे में इसका मतलब पूछ रहा है, तो 3 तिहाई 9, यानी इसके हिस्से में भी 3, इसके हिस्से में भी 3 और इसके हिस्से में भी 3, 3 तिहाई 9 होगा ना, यानी 1/3 बेलन का जो 1/3 है, ये अगर पूरे बेलन का आयतन की बात करें तो 9 था, तो पूरे बेलन का आयतन का 1/3 भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, पूरे बेलन का 1/3 भाग को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो यहां पे बेलन का आयतन कितना है, तो पाई आर स्क्वायर एच है, तो इसी पूरे, हमें पूरे बेलन का आयतन नहीं चाहिए, हमें इस बेलन को 3 बराबर भाग में बांटे तो सिर्फ उस 3 बराबर भाग का 1/3 चाहिए, यानी इसमें अगर 1/3 इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा किसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, तो मेरा आयतन किसका, शंकु का आयतन पता चल जाएगा। क्लियर है? तो सर्कल से बना बेलन और बेलन से बना सर्कल, सर्कल में एच मल्टीप्लाई करते हैं तो बेलन निकल जाता है, और बेलन में अगर 1/3 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, शंकु बन जाता है। अब बात करते हैं आधार का क्षेत्रफल, तो आधार तो देखिए, ये अगर मैं कोण की बात करूं तो ये वाला कोण आपको जो दिखाई दे रहा है, तो इसमें त्रिज्या जो बेलन का था वही त्रिज्या किसका रहेगा, वही त्रिज्या किसका रहेगा, तो वही त्रिज्या आपका रहेगा कोण का भी, तो इसीलिए आधार का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा आपका, यानी सर्कल का ही क्षेत्रफल के बराबर, यानी पाई स्क्वायर ही कहलाएगा। हाँ, उसमें 2πr² हो जाता था, क्योंकि ऊपर और नीचे मिला के लेते थे तब, दोनों त्रिज्या को लेते थे तब, दोनों आधार को लेते थे तब, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका कि ऊपर में तो कोण बना हुआ है, इसलिए ऊपर वाला लेना है नहीं, तो इसलिए आपका आधार का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, तो पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं, अब मैं बात करूं कि इस सर्कल का अगर परिमाप की बात करूं तो क्या होगा, तो 2πr होगा, लेकिन इसमें हाइट जो इंक्लूड होगा, तो हाइट किसका लेंगे, तो देखिए अगर मैं हाइट की बात करूं तो सिर्फ अगर ये वाला हाइट ले लेते हैं तो ये पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा, पूरे बेलन का, इसलिए हमें ये वाला इसका हाइट लेना होगा, यानी त्रिज्या की ऊंचाई लेना होगा, तो यहाँ पे पाई आर एच ना लेकर के, जैसे यहां पे हमने क्या लिया था, पाई 2πr h लिए थे ना, तो 2πr h ना लेकर के यहां पे, सॉरी, पाई आर सिर्फ एल लेंगे, एच ना लेकर के एल लेंगे, 2 इसीलिए यहां पे था कि ऊपर और नीचे मिला करके 2 सर्कल बन रहा है, यहां पे तो आपका एक ही सर्कल बन रहा है, तो इसीलिए यहां पे 2 नहीं होगा, सिर्फ पाई आर एल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, तो आइए देखते हैं कि आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात करें, पहला है क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन, दूसरा आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तीसरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें और चौथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये 4 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक बेलन दिया गया है, बेलन की बारे में बात की जा रही है, तो इस बेलन का त्रिज्या यहाँ पे दिया गया है, त्रिज्या कितना है, 7 है, और ऊंचाई कितना दिया गया है, तो ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दिया गया है। ऊंचाई कम है तो चलिए कोई बात नहीं है, कुछ इस तरह से बना होगा। ये आपका बेलन है, चलिए अच्छे से बना देते हैं। यहाँ पे ये आपका बेलन है, चूंकि ऊंचाई कम है त्रिज्या से, तो इसलिए कुछ इस तरह से बेलन ले लेते हैं। ये आपका त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर और ये दिया गया है कितना, तो ये दिया गया है आपका 3 सेंटीमीटर दिया गया है। कुछ इस तरह का फिगर के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसका आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, तो फर्स्ट का निकालने जा रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहाँ पे पाई का वैल्यू आप सभी को पता है कि 22/7 होगा, आर का वैल्यू दिया गया है कितना, त्रिज्या का वैल्यू है 7 है, यानी 7 का स्क्वायर गुना उसके बाद ऊंचाई कितना है, तो 3 है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से यहाँ 2 7 है, तो 1 7 तो आपका कट जाएगा, बचा कितना, तो आपका बच गया 7 × 14 14 और 1 15 154, फिर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 4 12 और 3 × 5 15 और 1 16 और 3 × 1 3 और 1 4, यानी 462 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या कहलाएगा,
आयतन कहलाएगा। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं कि अगर आधार का क्षेत्रफल निकालना है, यानी सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आधार का क्षेत्रफल जब भी निकालने के लिए आपसे बात किया जाएगा, तो ये दोनों मिला करके निकालने के लिए बोला जा रहा है। इसका मतलब तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2πr² होगा, जहाँ पे 2 × π का वैल्यू 7 होता है, 22/7, और r का वैल्यू 7² यानी 7 × 7 का वैल्यू दिया गया है। 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 2 = 44। 7 से अगर बात करें तो 7 × 4 = 28, और 7 × 4 = 28 और 2 = 30, यानी 308 cm² हो जाएगा। अब बात करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? तो 2πrh होता है, यानी कि तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो 2πrh होता है, जहां पे 2π का वैल्यू 22/7 होता है, और r का वैल्यू क्या होता है, तो r का वैल्यू 7 मेरा दिया गया है, और h का वैल्यू 3 भी मेरा दिया गया है। तो ऐसे इसके आधार पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 आपका कट जाएगा, 22 × 2 = 44, और 44 सीआई कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12, 12 × 1 = 13, यानी 132 cm² होगा। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्वेश्चन नंबर 4 निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो आधार का क्षेत्रफल और उसके बाद आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। तो यहाँ पे अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चूंकि इससे कम है आपका, तो देखिए यहाँ पे कम हो सकता है, इसलिए कि यहाँ पे आपका ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो ऊंचाई कम है। अगर ऊंचाई ज़्यादा रहता तो इसका भी वैल्यू ज़्यादा आता। फिलहाल दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, समपृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 308 और 132 को अगर मैं जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, तो 440 cm² आपका क्या निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर मैं इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो यहाँ पे आप अलग अलग निकाल के जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सभी को पता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला, यानी इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 था, वो अगर डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाए तो डायरेक्ट आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जब आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा, अगर ये दोनों सही बना है तो। तो आइए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखते हैं कि क्या होता है। तो 2πr तो आपका कॉमन निकल जाता है और r + h आपका बच जाता है। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 × 22/7 × 7, अब ये दोनों को यहाँ पे r का वैल्यू कितना है, तो r का वैल्यू चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 7 है, और h का वैल्यू कितना है, तो 3 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 तो आपका कट जाएगा, 22 × 2 कितना हो गया, 44 हो गया, 44 × 7 = 3 = 10, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, तो 410 होगा। तो यहाँ पे ये 440 होगा। तो यहाँ पे जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की जब भी बात की जाएगी तो ऐसा मत कभी करें कि पहले दोनों को निकाल लें और उसके बाद ऐड करें, आप सही जाएंगे, आंसर आपका सही आएगा, लेकिन समय ज़्यादा लग सकता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपको नॉर्मली सिर्फ इतना करना है, सिर्फ इतना करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए कि बस फार्मूला को पुट कीजिए, और ये वाला फार्मूला को, और आप डायरेक्ट निकाल दें। तो ये हो गया आपका बेसिक क्वेश्चन। किसका बेसिक क्वेश्चन? बेलन का। एक हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं सिलेंडर का, कोन का, यानी शंकु का बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं फ्रेंड कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए फ्रेंड आपका क्या कहता है इस क्वेश्चन, सब सेम है आपका। यदि किसी शंकु की त्रिज्या 3 cm है और ऊंचाई 4 cm है तो इसका आयतन क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये रह गया आपका। दूसरा क्या हो गया, इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी आपको निकालना है। तीसरा क्या निकालना है, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये निकालना है। चौथा क्या निकालना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पे कभी कभी क्वेश्चन में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पूर्ण क्षेत्रफल निकालिए ऐसा भी कहा जा सकता है।
कुल या संपूर्ण का मतलब क्या होता है, टोटल, यानी टोटल का एरिया निकालना है तो आपको यह निकालना होगा। टोटल एरिया के लिए आपको संपूर्ण ही कहलाता है, यहां पे संपूर्ण भी यूज कर सकता है या फिर आपका पूर्ण भी यूज किया जा सकता है या फिर आपसे कुल भी यूज किया जा सकता है, कोई सा भी वर्ड यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करें, वीडियो को पॉज कर लें और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें फ्रेंड और इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करें। कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला पे इसको सेट करना है। आपको ये भी नहीं करना है कि यहाँ पे जो आंसर आएगा, आई थिंक आई एम श्योर कि इसका आंसर आपका फ्रैक्शन में आएगा, तो जो फ्रैक्शन में आया आपका वही आंसर कहला जाएगा। तो इसलिए आप फ्रैक्शन में ले आइए तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि उसको पॉइंट में लिखें या आपका पूर्णांक में लिखें, बस आप फ्रैक्शन में ले आएँ। मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अगर फ्रैक्शन में सही आ गया दैट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बाकी फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलना या फिर पूर्णांक में बदलना ये तो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट हो जाता है, तो वो तो आप सभी का क्लियर है ही। तो बस इसके कॉन्सेप्ट को अभी समझिए, फ्रैक्शन तक ले आइए वही काफ़ी होगा। तो मैं चाहूँगा कि एक बार वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया है, आइए अब मैं बनाता हूँ इसको। देखिए आयतन निकालना है, आयतन पहला क्वेश्चन, आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। अब यहाँ पे 1/3 इंटू पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है और आर का वैल्यू कितना दिया गया है तो 3 सेंटीमीटर, यानी 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, और एच का वैल्यू कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो इसको आप सॉल्व कर लें, 3 से 3 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 4 × 12 और 12 × 2 = 24 और 24 × 2 = 26, यानी 264/7 आपका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। अगर किन्हीं का ये आंसर आया है तो इसका मतलब बिल्कुल सही आया है। आइए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसके आधार का क्षेत्रफल निकालना है, आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या, अगर ये आपका कोण है, ये आपका कोण है तो ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाले पार्ट का यानी कि सर्कुलर पार्ट का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल आप सभी को पता है कि सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब ऊपर भी तो सर्कल बना हुआ है नहीं, इसलिए एक ही पाई आर स्क्वायर आएगा, इसमें पुट कर दें 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 × 9 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18 और 1 = 19, 198/7 आपका आंसर क्या कहलाएगा, तो आधार का क्षेत्रफल कहलाएगा। अब बात करते हैं कि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन, तीसरा नंबर का जो फॉर्मूला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर एल, यही होता है ना, पाई आर एल होता है इसका फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं कि पाई आर एल निकालना है तो यहाँ पे तो एल का वैल्यू दिया है नहीं, ये वाला वैल्यू दिया गया है कि आपका त्रिज्या 3 है और ये वाला वैल्यू कितना है, 4 है, लेकिन यहाँ पे तो एल का वैल्यू यानी ये वाला वैल्यू आपको चाहिए। तो ये वाला इसका फॉर्मूला भी हमने लिखवाया हुआ है कि एल इक्वल टू क्या होता है, तो अंडर रूट देख लीजिए आप नोटबुक उठा करके कि इस एल का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो एल निकालने का फॉर्मूला देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही लाइन में बना देते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए 22/7 पाई को लिख सकते हैं, 22/7 आर को, तो आपको पता है कि आर का वैल्यू 3 है, और एल बराबर क्या लिख सकते हैं, तो एल बराबर देखिए मैंने लिखवाया था आपको, एल इक्वल टू क्या होता है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम अंडर रूट के अंदर में आर स्क्वायर लिखना है, यानी कि 3 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है, उसके बाद एच का वैल्यू कितना है, तो एच का वैल्यू 4 है, यानी 4 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो कितना आएगा, तो 22/7 गुना 3 और 16, 9 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको गुना करते हुए चलते हैं, कितना हो जाएगा, 3 × 6 और 3 × 6 66/7 गुना 66/7 गुना, ये क्या बाहर निकल रहा है, तो 25 में 5 बाहर निकल जाएगा, तो 5×6 = 30, 30 × 3 = 33, यानी 330/7 आपका किसका आंसर हो जाएगा, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया।
अब बात करते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फॉर्मूला ये होगा कि आप अगर आधार का क्षेत्रफल आपको पता है और आपको पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पता है, तो अगर ये दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल सकता है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए आप कर सकते हैं कि आपका आधार का क्षेत्रफल कितना आया है, 198/7 आया है, प्लस और आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है, तो 330/7 आया है, 330/7 आया है। दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम आपका कितना आएगा, 7 ही आएगा। जब नीचे इक्वल होता है तो ऊपर वाले को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो ये 8 हो गया, 9 × 3 = 12 हो गया, 3 × 1 = 4 हो गया, और 1 × 5 हो गया, 528/7। क्या ये आपका 7 से कट रहा है क्या, तो बिल्कुल नहीं कटेगा। ये देख लीजिए आप, 7 से अगर काटेंगे तो 7 × 7 = 49 नहीं कट रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का वैल्यू क्या आया, तो आधार का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं बात करूँ कि अगर इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से, यानी फोर्थ नंबर क्वेश्चन अगर डायरेक्टली आपसे पूछ दिया जाए, तो क्या ये दोनों आप अलग अलग निकालेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्टली बना सकते हैं। कैसे डायरेक्टली बनेगा, तो इसका फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट आपको लिखवाया हुआ है, या फॉर्मूला अगर ये दोनों का याद है तो ये दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो पाई आर तो दोनों में है, तो पाई आर तो आपका कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा आपका, एल बच जाएगा, यहां कितना बच जाएगा, तो L बच जाएगा। अब यहां पे बात करते हैं पाई आर की, यानी कि 22/7 × r का वैल्यू कितना है, तो 3 है। अब r का वैल्यू फिर से 3 हो गया, और L का वैल्यू आपका पता चल चुका है यहां पे, कि L का वैल्यू जब हम निकाले थे, L का वैल्यू अगर निकालना है तो अलग से आप निकाल भी सकते हैं, कि L का वैल्यू अगर निकालना है तो L बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट आधार का स्क्वायर यानी 3 × 9 और ऊंचाई का स्क्वायर यानी 416 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25, बाहर क्या निकल गया, 5 निकल गया, तो यहाँ पे 5 आप ऐड कर दें। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, 3 से गुना करते हुए चलते हैं, 3 × 2 = 6 और 3 × 6 = 7 × 5 = 15। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 × 6 क्या हो जाएगा, 90, 15 × 6 = 90 और 9 = 99, यानी कि 990/7 आ रहा है। कुछ मिस्टेक हो रहा है, आई थिंक 5 × 3 = 3, यहाँ गुना कर दिए, 5 × 3 क्या होगा आपका, 8 ही होगा ना, तो ये दोनों तो ऐड होगा ना, तो यहाँ से जब गुना करेंगे तो 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48 × 4 = 32, यानी कि 52 × 4 = 52/7। देखिए दोनों इक्वल आ गया आपका। तो इसमें आपको फॉर्मूला ही यूज़ करना ज़्यादा बेटर है, अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका बेलन का और शंकु का, ये दोनों का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरह से इसमें पूछा जाता है, अब हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये आप ये मत समझिएगा कि 3D फिगर में ये बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। 3D फिगर एक ऐसा फिगर है जिसमें बेसिक टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछ दिया जाएगा। इनफैक्ट CGL तक के एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के में लेके ना चले। अगर फॉर्मूला याद है, दैट मीन्स आप आराम से ऐसा क्वेश्चन को बना सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और बैंकिंग में तो अक्सर पूछ दिया जाता है। सिर्फ फॉर्मूला ही अक्सर क्या, अगर शंकु से पूछेगा तो फॉर्मूला बेस ही पूछेगा, अगर बेलन से पूछेगा तो फॉर्मूला बेस ही पूछेगा उसमें, और ज़्यादातर आयतन ही बैंकिंग में पूछेगा आपका। तो इसमें जरा सा भी घबराने की जरूरत आपको नहीं है। तो आइए इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि अब आगे का क्या क्या क्वेश्चन कहलाता है, क्या क्या क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाला है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, समान आयतन वाले दो वृत्तीय बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, तो उनके अर्ध व्यासों का अनुपात क्या होगा। देखिए फ्रेंड कितना साधारण सा क्वेश्चन आपको आपके लिए ये है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा कि एक नया वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये अर्ध व्यास क्या हो गया। अर्ध व्यास तो मैंने कभी बोला ही नहीं आपको। अच्छा अर्ध व्यास मतलब क्या, ये व्यास का अर्ध भाग यानी कि व्यास का आधा।
और व्यास किसको कहते हैं? अगर ये सर्कल है तो व्यास किसको कहा जाता है? तो ये आपका क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु, यानी कि इसके केंद्र से होते हुए एक परिधि से दूसरे तरफ अगर जो लाइन जाता है इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। और व्यास यहाँ अर्ध व्यास बोला जा रहा है, यानी व्यास का आधा क्या होता है? तो व्यास का आधा को ही तो हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो ये अर्ध व्यास का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? तो त्रिज्या यहाँ पे बोला जा रहा है। हालांकि ये सर्कल की बात नहीं है, यहाँ पे जो बात किया जा रहा है वो बेलन का बात किया जा रहा है, लेकिन त्रिज्या तो आपका सर्कल में ही होता है। और बेलन में भी मैंने क्लियर कर दिया कि वो क्या होता है, कि सर्कुलर ही बेलन होता है। और यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि वृत्तीय बेलन है ना, वृत्तीय बेलन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे मैं बात करूं कि अनुपात निकालना है, बेसिकली आपका दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है। तो ऊंचाई का अनुपात अगर 1:2 है तो आप ऊंचाई को क्या मान सकते हैं, यानी h को आप क्या मान सकते हैं, तो h1 मान लें, x मान लेते हैं, और h2 को मान लेते हैं 2x, क्योंकि अनुपात 1:2 होना चाहिए ना। तो x बटे 2x करेंगे तो x x कटेगा, तभी तो 1:2 आएगा। ये सब चीज तो छोटा मोटा चीज रेशियो में आपका क्लियर हो ही गया है। फिर बोल रहा है समान आयतन वाले दो वृत्तीय बेलन, यानी ये जो वृत्तीय बेलन है दोनों, ये दोनों का आयतन क्या है? दोनों का आयतन आपका समान है, यानी कि पहले आयतन यानी आयतन तन वन बराबर आयतन टू, यहां पे दोनों आयतन क्या है आपका बराबर है। अब चलिए इसको फॉर्मूला में सेट करते हैं। यहां पे आयतन का फॉर्मूला, चाहे आयतन 1 रहे 2 रहे या 4 रहे, फॉर्मूला तो वही होगा, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो ये यहां पे इसका आर कुछ और होगा ना, तो आर वन इसको मान लेते हैं, आर वन स्क्वायर इनटू आर वन स्क्वायर, और क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, और इसका एच को हमने क्या माना, तो एक्स मान लिया। ठीक है, यहां पे पहला एच कितना है, तो आपका एक्स है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे आयतन का, भी फॉर्मूला वही होगा, पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, लेकिन यहाँ पे आर क्या है आपका, आर टू हो जाएगा, त्रिज्या टू हो जाएगा, और एच का वैल्यू कितना दिया गया है, तो एच का वैल्यू दिया गया है 2x दिया गया है। अब इसको सॉल्व करना, देखिए आप वैल्यू पुट करके, अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया भी रहता तो वैल्यू ऐसे क्वेश्चन में, रेशियो के क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली पाई का, क्योंकि पाई और पाई अक्सर कट जाता है, क्योंकि पाई का वैल्यू चाहे आयतन कैसा भी हो, बेलन कैसा भी हो, बेलन चाहे कैसा भी हो, कितना भी हाइट और लेंथ का क्यों ना हो, लेकिन पाई का वैल्यू वही का वही रहता है, 22/7 ही रहता है। तो ये 22/7 से 22/7 तो आपका कट गया। अब बात करते हैं एक्स की, तो एक्स से एक्स भी कट जाएगा आपका। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर काटने की गलती मत कीजिएगा, कि चलिए ये भी आर का स्क्वायर है, ये भी आर का स्क्वायर है, तो क्यों ना काट लिया जाए। यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया गया है कि त्रिज्या का वैल्यू आपका क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे ये गलती हरगिज ना करें आप लोग। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो आर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है R1 अनुपात R2 निकालना है, यानी कि R1/R2 का वैल्यू निकालना है। तो R1 का वैल्यू R1 square by यहां से R2 को इधर ले आते हैं, तो R2 square हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या दिया आ गया है आपका, 2 आ गया है। तो इसको जब हम ऐसे करते हैं कि जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्यों ना स्क्वायर बोथ पे कर दिया जाए, यानी R1/R2 का हमें वैल्यू चाहिए, हमें किसका वैल्यू चाहिए, R1/R2 का वैल्यू चाहिए। तो ये स्क्वायर दोनों पे है, तो इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं 2, और 2 को ऐसा ना लिख करके हम 2/1 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर को हटा दिए तो इधर रूट चढ़ जाएगा 2/1, तो आपका क्या निकल गया, रूट टू। कभी बाहर निकल सकता है क्या, रूट से 2 कभी बाहर निकलेगा नहीं, तो ऊपर में तो रूट 2 ही रह जाएगा और नीचे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसलिए 1 बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली R1 ratio R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो √2:1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है क्या है, कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात
2:3 है तथा इसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो इसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? यानी आयतनों का अनुपात निकालना है, यानी कि वॉल्यूम निकालना है। आयतन को हम लोग वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, तो चलिए शॉर्ट में वॉल्यूम ही लिखना आसान है। तो वॉल्यूम 1 बाई वॉल्यूम 2 का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, तो आयतन में देखिए सबसे पहले तो हम लोग डायमेंशन को मान लेते हैं कुछ। अगर बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है तो यहाँ पे R1 को आप क्यों ना मान लें 2x और R2 को आप क्या मान लें, तो R2 को मान लें 3x, ताकि कट के वापस इस रेशियो में आ जाए। यानी देखिए जब भी रेशियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रियल रूप में रियल वैल्यू लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रियल रूप में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इसकी ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, यानी h1 का वैल्यू दिया गया है, तो h1 को आप 5x और h2 को आप क्या मान ले, तो 3x। तो ऐसी गलती आप हरगिज ना करें, क्योंकि यहां पे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद रियल वैल्यू आया है, कोई जरूरी तो नहीं है ना, कोई जरूरी तो नहीं है ना कि वही नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद h1 या h2 आया होगा। हो सकता है वही नंबर हो, लेकिन हो सकता है कि वो नंबर ना भी हो। तो इसीलिए अगर यहां एक सम माने हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि रियल वैल्यू में लाने के लिए दोनों जितना से यहां मल्टीप्लाई किया जाएगा उतना ही से यहां मल्टीप्लाई किया जाएगा, ऐसा जरूरी तो नहीं कह रहा है ना। तो यहां पर तो आप यही कह रहे हैं कि दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसा मत कीजिए। यहां पर आप क्यों ना वाई से गुना कर दें, ये 5:3 का रेशियो होना चाहिए, तो वाई से वाई कट के 5:3 का रेशियो हो जाएगा। हाँ, हो सकता है मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बराबर नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, हो सकता है कि बराबर नंबर से भी मल्टीप्लाई हो, तो हम ये भी तो नहीं कह रहे हैं कि x और y का वैल्यू बराबर ना हो, ये भी तो हो सकता है ना कि x और y का वैल्यू बराबर है। जब हम यहां पे y पुट करते हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि x और y दोनों बराबर भी हो या बराबर ना भी हो, लेकिन दोनों तरफ अगर हम यहां भी x से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक सेंस निकलता है कि दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया हो। लेकिन जब हम y से यहां मल्टीप्लाई करते हैं और यहां x से, तो इसमें दोनों सेंस निकलता है कि हो सकता है सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया हो या हो सकता है सेम नंबर से मल्टीप्लाई ना किया गया हो। ये कैसे कह सकते हैं कि x और y पुट करने के बाद हम ये कह रहे हैं कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर हो सकता है किया गया हो, हो सकता है कि x और y का वैल्यू बराबर हो, है ना। मतलब रेशियो में ये सब चीज क्लियर कर चुके हैं कि ऐसे इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मानते हैं। तो आइए पहले वॉल्यूम की बात करते हैं, पहले आयतन की बात करते हैं। तो पहला आयतन अगर निकाल रहे हैं तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पहला आर कितना है 2x का स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पहला एच कितना है, अगर पहला लिया है तो सभी पहला ही लेना पड़ेगा, इंटू 5y हो जाएगा। कोई दिक्कत, एच का वैल्यू तो यही था। देखिए आमतौर पे लोग गलती ये करते हैं, गलती नहीं करते हैं, दरअसल लॉन्ग रूट पकड़ते हैं। वो लॉन्ग रूट क्यों पकड़ लेते हैं कि पहले इसको सॉल्व करने लग जाते हैं, इसका जो आंसर आएगा और फिर दूसरे वॉल्यूम का आंसर निकालते हैं और उसके बाद रेशियो निकालते हैं। रेशियो में आप एक साथ लेकर के चलिएगा तो सॉल्यूशन बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि पाई का वैल्यू जीरो हो जाता है, कट जाता है। देखिए क्योंकि वॉल्यूम 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ क्या पाई 1 और पाई 2 लिखेंगे, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, पाई का वैल्यू तो आपका सेम ही होता है, तो पाई के लिए 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहां पे पाई आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू अलग होगा, यानी कि 3x स्क्वायर आर का वैल्यू अलग होगा, इनटू 5, यहां पे ऊंचाई कितना है आपका 3y है। अब ठीक है, तो जो कट रहा है काट दीजिए, पाई से पाई को आप काट दें, y से y को काट दें, जो बच गया उसको लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9 और x स्क्वायर का वैल्यू x स्क्वायर ही रहेगा, और नीचे में ऊपर में और कितना है 5 है, तो 5 भी रहेगा, और नीचे में यहाँ कितना है 3 है। y तो दोनों कट गया आपका, y तो दोनों कट गया है, और ठीक उसी तरह से x भी आपका दोनों जगह पे कट जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर भी कट जाएगा, और कोई कट रहा है क्या, नहीं। तो कितना हो जाएगा 5 × 4 = 20/9 = 27, तो आपका अनुपात कितना हो जाएगा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का, आयतन 1 और आयतन 2 का, तो 20:27 आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्लियर है।
ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपका क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी है, आई थिंक समय भी हो चुका है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हो सकता है चूंकि काफी कुछ बता दिए हैं, हो सकता है आपका माइंड हैंग करने लगा हो, या मोबाइल देखते देखते, या लैपटॉप पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो लैपटॉप देखते देखते नींद भी आने लगता है, तो समझने में प्रॉब्लम होता है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग अगले क्लास में और नए वीडियो के साथ और नए नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, थैंक यू।